तो थोड़ी देर में इंडिया की बैठक शुरू होने वाली है, सीधे चलते हैं अशोका होटल जहां से हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बेंगलुरु भी चलेंगे, वहां से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह जुड़ी हुई है। सबसे पहले विशा रविंद्र आपके पास आते हुए मुझे बताइए कि एनडीए की बैठक 38 दलों की, कई बड़े छोटे छोटे हैं, तो क्या नंबर गेम की लड़ाई है, किसके पास ज्यादा? दीपक जी आप तो सियासत के महारथी हैं, ये नंबर गेम के साथ साथ ये दिखाना है कि जो यूपीए या फिर विपक्षी दल को जो गठबंधन है उससे बड़ा संख्या बल में, लेकिन जो दल है एनडीए में उसमें आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा, ये जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा गया, क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया, इसमें 11 से ज्यादा दल है नॉर्थ ईस्ट से, 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में, पूरी तरह से 25 की 25 जितनी है ये लक्ष्य है। अब देखिए महाराष्ट्र में 5 दल है, गोवा में 1 दल है, हरियाणा से 1 है, पंजाब से भी 1 है, वहां अकाली दल नहीं है बल्कि ढींसा है, भले इनकी वोट बैंक ना हो ढींसा की लेकिन एक पोस्टरिंग हो सकता है। उसी तरह से आप देखिए कि हरियाणा में 1 दल बड़ा दल है जो गठबंधन में है, बिहार से जेडीयू चला गया लेकिन वहां से 4 दल आ रहे हैं, मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, दोनों पासवान हो गए, तो ये समीकरण इस तरह से बैठाने की कोशिश की गई है कि जो जातीय समीकरण पर भी ठीक हो और जिनका कुछ छोटा मोटा भी वोट बैंक है जो बीजेपी के जो सभी दल सभी राज्यों में जो अपना वोट बैंक है उसमें एड ऑन कर सके, तो ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कह सकते हैं कि चाणक्य जिनके बारे में लोग कहते हैं विपक्षी दल भी, अमित शाह की यह रणनीति रही है कि भले ही बड़ा दल ना हो, बड़ी संख्या ना हो लोकसभा में, लेकिन उनका अपनी जमीन हो, चाहे वो राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, आप देखिए अजीत पवार हो या शिंदे हो या फिर गोमांतक पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण इस तरह से बनाया गया कि पूरे पैन इंडिया हो, छोटे छोटे दल हो जिनका अपना वजूद हो क्षेत्र में और वो बीजेपी के साथ आकर जो टारगेट है 350 का 2024 में उसको पूरा कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही कहा रविंद्र आपने, छोटे छोटे समाज से जुड़े हुए लोग उनको भी, ऐसी छोटी पार्टियां जिनको जिसके लिए टुकड़े टुकड़े कह रहे थे ना, टुकड़े टुकड़े कह के अंजलि आक्रमण हुआ है पूरी पूरी तरह से कि अब एनडीए टुकड़े टुकड़े जोड़ रही है और बड़ी पार्टियां तो सब एक साथ आ गई। लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार ही लोग पांच ही लोग बोले, पहले खड़गे साहब बोले, फिर ममता जी को माइक दिया, फिर अरविंद केजरीवाल को दिया, फिर उद्धव ठाकरे को दिया, फिर राहुल गांधी बोले, अब नीतीश लालू जी ये लोग कहां थे, अखिलेश जी ये लोग कहां थे? जी देखिए इन तमाम लोगों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी मंच से ही, चूंकि फ्लाइट थी इन लोगों की तो इसलिए ये लोग बैठक के बाद फौरन ही रवाना हो गए थे। और जहां तक बात करें टुकड़े टुकड़े की, तो जाहिर सी बात है एनडीए पर की जो बैठक है उससे विपक्ष में भी खलबली है, भले ही विपक्ष ये कह रहा है कि एनडीए डरा हुआ है लेकिन खलबली तो इधर भी है, इसीलिए जैसा आपने कहा कि टुकड़े टुकड़े वाला बयान दिया यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि विपक्ष एनडीए जो है अपने सभी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस समय डरा हुआ है एनडीए। और एनडीए की बैठक को लेकर यहां भी जोरदार चर्चा रही पूरे बेंगलुरु में 2 दिन, और लगातार नेता जो है वो हमला करते रहे, लेकिन अब देखना होगा कि जो तमाम कमेटी सेटअप करने की बात की जा रही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी वो कितना कोऑर्डिनेट कर पाती है इन दलों के बीच में। आज जैसा आपने कहा कि कुछ चुनिंदा नेताओं ने ही अपनी बात मंच से रखी, तो ये सब पहले से ही तय था कि कौन मंच से बोलेगा, कुछ लोग मंच पर नहीं मौजूद थे तो उनके बारे में भी पहले ही बता दिया गया ताकि अटकलें ना लगाई जाए, तो इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश तो हो रही है लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कितना फिट बैठता है ये आगे आने वाले 6 महीनों में हमें ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां विपक्ष के सामने भी हैं। आज जब सवाल किया गया कि आप सीट शेयरिंग का क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को तो इसलिए जोड़ा जा रहा है कि वो जो जहां मजबूत है उसके कैंडिडेट्स वहां उतारे जाए, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी है जो देशव्यापी पार्टी है तो वो कहां कहां बलिदान करेगी, इन चीजों पर भी चर्चा होगी। जी अंजलि को छोटी सी चीज और, हम ये सोचते थे कि बीजेपी बड़ा अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, अच्छे नैरेटिव देते हैं, अच्छे स्लोगन देती है, लेकिन इस बार इंडिया INDIA सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म का ग्राफिक भी हमारे यहाँ लगातार चल रहा है, तो ये इंडिया नाम कहाँ से खोज के निकाला और ये किसके दिमाग की उपज है अंजलि, कुछ पता लग पाया? क्योंकि अब इंडिया वर्सेज एनडीए होगा। जी देखिए ये तो थोड़ी देर में साफ होगा कि आखिर ये कहाँ से आया, 4 नामों की जो प्रस्तावित 4 नाम थे वो कल सोनिया गांधी के सामने रख दिए गए थे, जिसमें हमने सुबह ये खबर भी दी थी कि उनमें से किस कोई एक नाम में इंडिया शब्द भी इंक्लूडेड है। अब ये नाम किस तरह से सब सारे जो दल है उन्होंने सहमति इसी परिप्रेक्ष्य में बनाई है, क्योंकि ये नाम चैलेंज के लिहाज से काफ़ी अहम साबित होता है। जैसा आपने ममता बनर्जी को सुना, उन्होंने सीधे हमला करते हुए कहा एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, Nobody can challenge India, ये तर्क है और यही वजह है कि इस इंडिया शब्द को लिया गया।
एक फुल फॉर्म जरूर दिया गया, लेकिन ये जो अपने आप में एक शब्द है ये पूरे देश को कहीं ना कहीं जोड़ता है। और यही वजह है कि ये नाम पे मुहर लगाई गई। सोनिया गांधी को भी जब वो चार प्रस्तावित नाम दिए गए तो इस पे सबसे ज्यादा जो सहमति है वो बनी थी, और ये माना जा रहा था आज सुबह से ये अटकलें चल रही थी कि शायद इस नाम पर ही सहमति बन जाएगी। तो अब नाम जरूर फाइनल हो गया है, और इस पूरे इंडिया को जो विपक्ष का इंडिया है इसको किस तरह से जोड़कर रखते हैं, चैलेंज करने के लिए ये शब्द विपक्ष का इंडिया है तो पक्ष का भी इंडिया है। अंजलि सुना होगा, विपक्ष का इंडिया है तो पक्ष का भी इंडिया है ना, मानती है ना मेरी बात को आप?